हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग ये जो संख्याएं दी हुई हैं इनमें बताना है कि कौन सा बड़ा है। तो ये द्वितीय श्रेणी की करणी है और ये तृतीय और ये चतुर्थ श्रेणी की करणी है। यहाँ पर देखिए कोई संख्या नहीं, इसका मतलब यहाँ पर दो होता है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये संख्याओं में कौन सा बड़ा है और कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो अगर इसको हमें बताना है तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, ये जो तीन चार और यहाँ पर कुछ नहीं है तो दो है, तो इन सभी को इक्वल करना पड़ेगा। अब इन सभी को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा कि सभी का एलसीएम निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ दो, यहाँ तीन और चार, यानी दो तीन और चार का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो उसको निकाल लेते हैं, दो कामा तीन कामा चार। तो दो से इसको डिवाइड करेंगे, एक आएगा, ये तीन और ये दो, फिर दो से कटेगा तो एक कामा तीन कामा एक, और तीन से जब इसको काटेंगे तो एक कामा एक कामा एक। इस प्रकार जो एलसीएम मिला वो दो दुनी चार त्याए बारह। अब इसको करना क्या होगा कि जैसे ये रूट थ्री है यहाँ पर, तो हमें यहाँ यहाँ पर जो होता है उसको बारह लिखना है। तो बारह लिख लेते हैं पहले, ये हो जाएगा बारह। अब देखिए यहाँ पर कोई संख्या नहीं, इसका मतलब दो होता है, ठीक है। तो दो अगर है तो दो से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा छः। तो उसी छः को तीन के पावर में करके हम लिख देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा तीन के पावर छः। अब तीन को छः बार जब गुणा करेंगे तो आएगा 729, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12 और ये आएगा 729। अब इसी प्रकार हमें इसमें भी यहाँ तीन के स्थान पर 12 लाना है, तो इसको लिखेंगे कि रूट में 4 और ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर जब हमें 12 लाना है तीन के स्थान पर, तो पहले हम यहाँ 12 लिख लेते हैं, और जब 12 लिखेंगे तो तीन से इसको भाग करेंगे, जब भाग करेंगे तो ये आएगा तीन चौक 12 यानी 4। उसी चार को हम इस चार के पावर में करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा चार के पावर चार। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12, तो ये रहेगा ये, और चार को जब चार बार गुणा करेंगे, यानी चार के पावर फोर है तो चार गुणे चार गुणे चार गुणे चार इस प्रकार, तो ये आएगा 256। तो यहाँ लिखेंगे 256, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ ये जो लिखा हुआ है रूट में 5 और ये लिखा है 4, तो इस 4 को हमें बनाना है 12 यानी 12। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 12 लिखेंगे, और चार से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा तीन, यानी इस पांच के पावर में हम लिखेंगे तीन। तो ये आएगा 12 और पांच का जब तीन बार गुणा करेंगे तो ये आएगा 125। अब इनमें हमें देखना है कि ये इसमें इसमें और इसमें कौन सा बड़ा है, तो इसमें 729 बड़ा है, इसलिए हम कह देंगे कि रूट थ्री इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ा है, यानी कि रूट थ्री बड़ा है।